नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रॉय। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के बारे में, और उसके बाद जो है अलाइनमेंट के बारे में। तो आज इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे आज जो नंबर्स ग्रुप है उसको हम एक्सेल में किस तरीका से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले से ही डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन करने के बाद हमारा यहाँ पे इनवॉइस का फॉर्मेट जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है इनवॉइस हम लोग का ये आ चुका है एक्सेल में। हम नंबर्स ग्रुप जो है इसको लेकर हम किस तरीका से काम करेंगे, बाकी जो है इसका जो एडिटिंग रहेगा वो एडिटिंग आप लोग एज पर रिक्वायरमेंट, आपका खुद का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। चूँकि मैं यहाँ पे एडिट नहीं करने जा रहा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मैं शो करने जा रहा हूँ नंबर्स के ऊपर में तो किस तरीका से काम होगा। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन और अमाउंट में क्या है, सबसे पहले नंबर्स ग्रुप में अगर टॉप में अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो ये जो है जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। तो यहाँ पे जो है इस तरीका से डिफरेंस जो है यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, और कैसे किस तरीका से फंक्शंस काम करेगा वो मैं बोलूँगा। जनरल फंक्शंस में क्या है, जनरल देने से आप कोई भी चीज़ वहाँ पे दे सकते हो। जब हम किसी भी कॉलम में अगर नंबर्स वहाँ पे दे देंगे, सेल में जो नंबर डिफाइन कर देंगे तो क्या है वहाँ पे नंबर्स लेगा, और इन केस ऑफ करेंसी, करेंसी होगा, और अकाउंटेंट मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। तो उससे पहले सबसे की प्रोडक्ट में ले लेता हूँ लिनोवो बीफ 4080, ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया। और इसका जो प्राइस है, सपोज यहाँ पे जैसे कि 100 दिया हुआ है, मैं इसको प्राइस दे देता हूँ 24,000। अब यहाँ पे देखिए डॉलर साइन आ रहा है, ये डॉलर साइन को चेंज करने के लिए क्या है, हमें करेंसी में जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो जितना भी हमें रेंज ऑफ द सेल को चेंज करना है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद उसको करेंसी में मैं दे दूँगा। तो जैसे ही चूँकि इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था पहले से, इसलिए हमारा इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल है करेंसी का वो आ गया। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हो सिंबल जो है इसका लिस्ट यहाँ पर आ जाता है, जितने भी पूरे वर्ल्ड का जो भी करेंसी का है लिस्ट आएगा। तो आप यहाँ पर सर्च करके आप रुपीज़ देना चाहो रुपीज़ भी दे सकते हो, इंडियन हो, बंगला हो, असमीज हो, इस तरीका का हिंदी यूज कर सकते हो, या तो हम यहाँ पे भी उसका हम फंक्शन कुछ मिल जाएगा और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे तो वही हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। तो इस तरीका से हम क्या है यहाँ पे करेंसीज को यूज कर सकते हैं। अगर कि सपोज मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि अगर अकाउंटिंग फंक्शन को मैं करेंसी की जगह पर अकाउंटिंग फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, जो रुपीज साइन है वो ऑन द लेफ्ट साइड शो करेगा और जो अमाउंट है वो अंदर राइट साइड शो करेगा। तो बेटर है कि अगर हमको करेंसी लेके ही चलने में ठीक है, ये अप्रोप्रिएट होता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे चले नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए है, तो फ़ोन नंबर के लिए अगर इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे कि फैक्स नंबर हटा दिया और ये फ़ोन नंबर के लिए मैंने रख लिया, तो अब जो है यहाँ पे मैं नंबर्स दे दूँगा। तो नंबर्स देने से क्या है, नंबर्स ही हम लोग एंटर कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये इनवॉइस का डेट अगर मुझे देना है, सपोज कहीं पे भी अगर हमको डेट देना है, इस जगह पे डेट देना है, तो इस सेल को मैं क्या करूँगा, सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको डेट जो फंक्शन है हमें यहाँ पे दो तरीका से होता है, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। तो जो भी हम अगर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में अगर यहाँ पर सिंपली हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फार्मूला नहीं, फार्मूला हम लेटर ऑन देखेंगे। सपोज 5/6 आज का डेट में देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे डेट हमारा आ चुका है 5/6/2020। तो इस तरीका से शो करेगा वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसको अगर हम मान लो कि लॉन्ग डेट में करते हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग डेट का जो फंक्शन है आप यहाँ पे दे सकते हो 05/6, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। और चूँकि अगर ये डेट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हमको क्या है, ये जो डायलॉग बॉक्स है नंबर ग्रुप का उसको ओपन करना है, और यहाँ पे जो डेट का डिफरेंट फॉर्मेट्स है
उस फॉर्मेट्स को टाइप को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट करके इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी आ गया June 5, 2020। इस तरीके से हम यहाँ पे डेट फंक्शन भी दे सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। अगर टाइम देने का, उस तरीक़ा से सेम पैटर्न में हम टाइम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस वे से हम लोग करेंसी अकाउंटिंग और नंबर्स को यूज करके हम यहाँ पे इस इनवॉइस को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है इसको डिजाइन करने का, उसको आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डेसिमल प्लेस से इसको अगर मैं चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये आप पे रिक्वायर्ड करता है कि सपोज 2 डेसिमल चाहिए या आपको उससे ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये आप डिसाइड करके इसको यहाँ से डेसिमल प्लेस कमा सकते हो। सो अगली क्लास में हम देखेंगे स्टाइल के ऊपर, सेल्स एंड एडिटिंग के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, हैव ए नाइस एंड गुड डे, थैंक यू वेरी मच।